तो आज है टॉपिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और ये टॉपिक है इसका सोशल फार्मेसी यानी फर्स्ट ईयर का। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के चार पार्ट, फोर पार्ट ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दिए हैं जिनके लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आज है ये पांचवा पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, मतलब छह पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। भाई देखो सीधी बात है, लगता है छह पार्ट ज्यादा हो सकते, देखो पीसीआई तो बोलता है 18 पार्ट होंगे, कितने 18 पार्ट है ना, मींस 18 लेसन में ये खत्म होना चाहिए ऐसा पीसीआई बोलता है, लेकिन हम इसको कितने में, छह में ही खत्म कर देंगे। ओके ठीक, तो आज शुरू करते हैं, लास्ट टॉपिक है साइको सोशल फार्मेसी के बारे में। तो साइको सोशल फार्मेसी क्या होता है, देखो दो चीजें, एक तो साइको हो गया और एक हो गया सोशल, ठीक। तो यहां पे सोशल फार्मेसी को साइकोलॉजी से जोड़ दिया गया है। इंसान का जो मूड चेंज होता है, जो साइकिक प्रॉब्लम होती है, वो सोशल, हमारी सोशल लाइफ में हमारे अगल बगल के माहौल को किस तरह से अफेक्ट करती है इसके बारे में, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ड्रग का जो मिसयूज होता है, ड्रग का जो एब्यूज होता है, ड्रग का एडिक्शन होता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का एडिक्शन होता है, नारकोटिक ड्रग्स, एल्कोहल, तंबाकू के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनका ये होते क्या है और इनका सोशल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइको सोशल फार्मेसी। आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, 101% मिलेगा, जान लेना, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, साइको सोशल फार्मेसी भाई क्या होता है। ड्रग मिसयूज, ड्रग का एब्यूज, ड्रग का एडिक्शन, ये सब हमारे समाज की सबसे ज्यादा सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ऑल सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं। इवन भाई जो जनरेशन है, चलो बड़े बड़े शहरों में अगर देख लो, तो ये चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, अगल बगल के बेरोजगार हो, ठीक, तो जो ये नशा करते हैं ये ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। बस ये कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, मतलब अगर आपकी जेब में पैसा, तो ऐसे लोगों के खूब टारगेट करते हैं जो किसी भी तरीके से लोनलीनेस फील कर रहा हो, किसी तरीके से दुखी हो। मीन्स इनका भी एक जाल बिछाने का तरीका होता है लोगों को ट्रैप करने का। एक बार आप उसमें ट्रैप हो गए, एक बार आप उसमें फंस गए, तो फिर जीवन पूरा बेकार हो जाता है, ना तो फैमिली लाइफ रह जाती है और ना सोशल लाइफ रह जाती है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरे साथ के भी बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हो चुके थे, समझे। तो कुछ लोग तो ऐसे थे, जब मैं एम फॉर्म फाइनल ईयर में था तब इसका शिकार हुए, तो उम्र नहीं होती, कुछ लोग बुढ़ापे में, कुछ लोग जवानी में, कुछ लोग चाइल्डहुड में ही, बस ये है कि सर्कल, इसीलिए कहता हूं ना सर्कल अच्छा होना चाहिए। खैर, सिंस ऑल ऑफ दीज विद द यूज ऑफ द इलीगल ड्रग्स, इसीलिए ये जो मिसयूज करने वाली ड्रग्स हैं, अब्यूज करने वाली, एडिक्शन वाली ड्रग्स हैं, इन सबको इलीगल ड्रग्स बोली जाती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सबकी सब इलीगल होती हैं, इलीगल टर्म इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये दवाएं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलती नहीं है और आपने फर्जी तरीके से इनको ले लिया है, इसलिए इलीगल। अगर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू होती तो डॉक्टर क्या आपको बाकायदे गाइड करता कि इनको इनटेक कैसे करना है, ठीक। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द इलीगल ड्रग, जैसे कुछ इलीगल ड्रग जैसे तंबाकू हो गई है ना, एल्कोहल हो गया, कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन होते हैं जिनका इलीगल यूज होता है, जिसको हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं, राइट। लॉट्स ऑफ पीपल कॉमनली यूज द टर्म इंटरचेंजेबली, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नामों से और सिनेरियो के हिसाब से, है ना, कहीं तंबाकू बोलते हैं, कहीं खैनी बोलते हैं, है ना, कहीं मावा बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दैट्स वाई करेक्टली आइडेंटिफाई द पर्सन ड्यूरिंग प्रॉब्लम इज द क्रूशियल, यही एक वजह है किस पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम है, किस ड्रग से प्रॉब्लम है, यह आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्रिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन ड्रग मिसयूज क्या होता है, ड्रग एब्यूज क्या होता है और ड्रग एडिक्शन क्या होता है, यह समझने की जरूरत है, इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक।
26 जून सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे। इंटरनेशनल डे कौन सा? ड्रग एब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग एवरी ईयर। हर साल ड्रग एब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग के लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 26 जून को। ठीक, मींस इसको इरेडिकेट करने के लिए, राइट। इट इज द एक्सरसाइज, अब ये जो एक्सरसाइज है ये अंडरटेकन बाई वर्ल्ड कम्युनिटी, मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है जिसका एक ही टारगेट होता है कि किस तरह यूथ को, किस तरह जवान बच्चों को, किस तरह बच्चों को, नवयुवक लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए, कैसे सेंसिटाइज किया जाए कि ये चीजें गलत हैं, राइट। मतलब उनको ये बताना पड़ेगा इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। ओके, ड्रग मिसयूज की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई ड्रग मिसयूज क्या होता है। ड्रग मिसयूज जनरली एसोसिएटेड विद द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये कुछ और नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अब मिसयूज क्या भाई, कोई चीज सही है, मिसयूज मतलब क्या, कोई चीज सही है आपके पास लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा, मतलब उसका मिसयूज कर रहे हो। पैसा है, पैसा नेसेसरी है आपके लिए, जरूरी है, आपकी पॉकेट मनी हर महीने मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस पैसे को पढ़ाई के लिए जो दिया गया पढ़ाई पे ना लगा के कहीं स्मोक कर रहे हो, सुट्टा लगा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, तो वो मिसयूज है, राइट। तो जिसमें जो दवाएं हैं ड्रग मिसयूज में, देखो बहुत संभाल के, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ड्रग मिसयूज मतलब जनरली कैसी रहती है, ये सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। बस ये है कि जब ये ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो डॉक्टर इसको जो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कई बार क्या है, जो गाइडेंस होता है डॉक्टर या तो जल्दी में होता है, क्योंकि ये काम बेसिकली फार्मासिस्ट को करना चाहिए, लेकिन अपने इंडिया में ये बहुत कम है। पेशेंट की जो काउंसलिंग है वो फार्मासिस्ट नहीं, डॉक्टर ही दो मिनट में करके भेज देता है। आजकल गैम्बिया का वो जो देखो कफ सिरप का जो इश्यू आया है, आजकल न्यूज में खूब छाया हुआ है, राइट। उसी के चलते WHO ने इंडिया के अंदर 3-4 कप सिरप ऑलरेडी बैन कर दी है और उनकी एनालिसिस बहुत सारी ड्रग्स की चल रही है। अब क्या है, टीवी पैनल पे आके डिबेट में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बोलते हैं कि एटलीस्ट भाई देखो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम जो गैम्बिया वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों आती है। ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो फार्मासिस्ट रहता है वो लाइसेंस अपना बेच देता है, अपना लाइसेंस बेच देता है, और जो दवा बेचने का काम करता है वो 10वीं 11वीं का बंदा करता है। अब डॉक्टर ने कोई दवा प्रिस्क्रिप्शन के लिखी, आप फार्मासिस्ट हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको मालूम है दूसरे सॉल्ट की अच्छी ड्रग दवा कौन सी है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसको आइडिया नहीं है, उसने कोई भी थर्ड क्लास कंपनी की दवा उठाई और बोला भाई ये दवा नहीं है, काम करो ये दवा उसी तरह से काम करती है, आप इसको लेके जाओ। फिर इस तरह के इश्यूज फेस होते हैं। इंडिया के अंदर कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब गैम्बिया का जो इशू आया है, आजकल न्यूज में खूब छाया हुआ है, सोशल मीडिया पे खूब छाया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है, अभी तक नहीं थी। दिस इज बिकॉज दीज ड्रग्स कैन कॉज द एडवर्स साइड इफेक्ट इफ डायरेक्शन इज नॉट फॉलोड। डॉक्टर आपको डायरेक्शन देता है, काउंसलिंग करता है कि इस तरह से आपको दवा लेनी है, ठीक, अगर उस डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं करते हो तो ये जो दवाएं हैं ये दवाएं अपना एडवर्स रिएक्शन शो करती हैं, ठीक। ड्रग मिसयूज हैपन व्हेन दीज सब्सटेंस आर टेकन फॉर द पर्पस दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद लीगल एंड मेडिसिन गाइडलाइन। अब मिसयूज मतलब घर वालों ने पैसा दिया कि बेटा ये पैसा ले लो और इससे जाके किताबें खरीद लेना। बेटा क्या कर रहा है, बेटे ने क्या किया कि किताबें नहीं खरीदी और उस पैसे से पिक्चर देख डाली, दोस्तों को पार्टी दे डाली, तो ये क्या हुआ, मिसयूज हुआ, राइट। तो कहने का मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन दवाएं दी गई, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भाई जैसे कफ सिरप है, कफ सिरप दी गई आपको कहे के लिए कि भाई आपको जो सर्दी खांसी है वो ठीक हो जाए, कफ आपका ठीक हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो, आप कफ सिरप की ढेर सारी बोतलें ले आए हो और उसको क्या नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार में पूरी पूरी कफ सिरप पी जा रहे हो, तो ये क्या है, ये मिसयूज है ड्रग का। दवा मिली आपको प्रिस्क्रिप्शन से लेकिन आप उसको जो डायरेक्शन है, जो डोज है, वो नहीं फॉलो कर रहे हो जो डॉक्टर ने आपको दी है, इसलिए इसको ड्रग मिसयूज की कैटेगरी में डाला गया है। तो मिसयूज के कुछ एग्जांपल, अगर इनकरेक्ट डोज, मान लिया डॉक्टर ने कहा भाई 10 ml ले लो और तुम 30 ml पूरी सिरप चढ़ा जा रहे हो, तो ये मिसयूज हुआ, ठीक। टेकिंग द ड्रग इन रॉन्ग टाइम मतलब गलत समय पे दवा का लेना, ओके।
फॉरगेटिंग टेक डोज या फिर दवा ना लेना। कोई बहुत अर्जेंट ड्रग है अगर नहीं लोगे तो आपके शरीर में एडवर्स रिएक्शन शो होने शुरू हो जाएंगे, आप ड्रग की डोज सही टाइम पे नहीं ले रहे हो। दूसरा, स्टॉपिंग द यूज ऑफ ड्रग टू सून। डॉक्टर ने कहा भाई 3 दिन एंटीबायोटिक खा लो, आप क्या कहते हो एक दिन खाई उसके बाद बंद कर दी, तो ये क्या है, मिस यूज। टेकिंग द ड्रग फॉर रीजन दैट अदर देन वाई दे आर प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स जिस लिए वो दवा प्रिस्क्राइब की गई है उसके लिए इस्तेमाल न करके किसी दूसरे काम। मतलब आपको पैसे घर वालों ने दिए कॉपी खरीदने के, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो। इवन जो थिनर आते हैं, थिनर देखे होंगे आप लोगों के यहाँ केमिस्ट्री लैब में होंगे, जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं उनको ड्रग नहीं मिलती तो वो पूरी पूरी थिनर पी जाते हैं, तो ये सब मिसयूज है। ठीक, मतलब थिनर है किसी और चीज के लिए लेकिन उसको क्या है, पी लिया अपना नशा, नशे पत्ती के लिए। ओके, टेकिंग द ड्रग दैट वॉज नॉट प्रिस्क्राइब टू यू, ऐसी दवाएं लेना जो आपको डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब की है, नहीं सलाह दी डॉक्टर ने कि ये दवा आपको खानी चाहिए, फिर भी वो दवा आप खा रहे हो, इट मींस जैसे हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, एक्स्ट्रा एक्सेस में, डॉक्टर ने नहीं बोला बिल्कुल लो, लेकिन ये है नशे के लिए लोग जो है खा रहे हैं, ये सब क्या है, ड्रग मिसयूज की कैटेगरी में आता है। फिर ड्रग एब्यूज क्या होता है, ड्रग एब्यूज हैपन व्हेन द ड्रग इंक्लूडिंग जैसे अल्कोहल ड्रग और इलिसाइड ड्रग। इलिसाइड ड्रग मतलब जो हमारे कानून में इन ड्रग्स का बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना जो उल्लंघन कहलाता है, जैसे नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, एनी साइको एक्टिव सब्सटेंस आर मिस यूज टू गेट अ हाई इन्फ्लिक्ट सेल्फ हार्म। मतलब ऐसी दवाएं जो कानून के अगेंस्ट में है कि इनको आप नहीं खा सकते, इनको आप नहीं ले सकते, चाहे अल्कोहल लेना हो, चाहे गांजा पीना हो, चाहे भांग पीना हो, चाहे हेरोइन लेनी हो, चाहे चरस लेनी हो, चाहे गांजा पीना हो, कुछ भी, ये सब क्या है, ड्रग एब्यूज है। ठीक, ड्रग एब्यूज ये आपके शरीर को हार्म दे रहे हैं, इनको जब भी आप इनटेक करते हो तो आपके शरीर को नुकसान करते हैं। इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। मतलब इन सब्सटेंस को जब आप लेते हो, इनटेक करते हो, तो आपके शरीर में डिसऑर्डर आते हैं। मतलब ये ऐसी ड्रग्स की कैटेगरी है कि इनको जब आप लोगे, वैसे तो ड्रग होती है कि जब आप लोगे तो ठीक हो जाओगे, ये ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में ड्रग्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं कि जब आप इनटेक करते हो तो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं SUD, फुल फॉर्म याद रखना, ये MCQ में पूछते हैं। ठीक है, सिंस द पीपल हु अब्यूज द ड्रग्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड थिंकिंग बिहेवियर बॉडी फंक्शन। जो लोग ऐसे सब्सटेंस का नशा करते हैं, इनटेक करते हैं, उनका सोचने की क्षमता प्लस सोचने का नजरिया, उनका खुद का बिहेवियर और बॉडी के फंक्शन उनके कंट्रोल में नहीं रहते, या कह लो कि एकदम चेंज हो जाते हैं। ओके, इट इज यूज ऑफ द ड्रग और सब्सटेंस फॉर द नॉन मेडिकल यूज, मीन्स ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है मेडिसिनल यूज में, आप इस्तेमाल करो नशे के इस्तेमाल, मीन्स नॉन मेडिकल यूज, विद द एम प्रोड्यूसिंग सम माइंड अल्टरिंग इफेक्ट। इनसे माइंड अल्टरिंग यूफोरियटिक इफेक्ट होता है, मीन्स अलग दुनिया में जाने का। लोग देखो ना, इंजेक्शन ले लेते हैं, ड्रग्स खा लेते हैं, हेरोइन पी लेते हैं, चरस सूंघ लेते हैं, है ना। ऑफन देखो फोटो में साफ साफ दिया ना कुछ, देखो ये सब क्या है, ड्रग एब्यूज की कैटेगरी में आते हैं। ऑफन इन्वॉल्व्स द सब्सटेंस एक्सेसिवली क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस द प्लेजर। ये क्या है, हमको खुशी देते हैं। जब भाई लोग जो ड्रिंक करते हैं, जो नशा होता है, जो सिर्फ जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं, कहते हैं एक सिगरेट पी, दो पी, जब तक नशा ना हो जाए, मतलब एक अलग सा एक सुरूर सा चढ़ता है ना। एलिवेट स्ट्रेस, अल्टर और अवॉइड द रियलिटी, मीन्स रियलिटी जो आसपास है, जो दुख है, स्ट्रेस है, उस सबको भूल जाते हैं, मीन्स अल्टर्ड हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है वहां से। ठीक, तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी नशा करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रग एडिक्शन। देखो सब में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ड्रग्स वही हैं ऑल अबाउट, नाम बदल जा रहे हैं। ड्रग एडिक्शन मतलब इट इज द स्टेट फिजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंस। दिमागी तौर पे जैसे कुछ लोगों को चाय की तलब होती है, उनको सुबह सुबह चाय ना मिले तो सिरदर्द होने लगता है, कुछ लोगों को सिगरेट की तलब, कुछ लोगों को दारू की तलब होती है कि शाम हुई तो उनकी बॉटल खुल जानी चाहिए। मतलब ठीक, तो ये अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोचे अरे सर लगता है एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, ऐसा नहीं है।
हाँ, फिजिकल एडिक्शन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस। अब क्या है, अब इस तरह से ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स बार बार लेते लेते, जैसे अल्कोहल है, शुरू में 120 ml का पैग ले रहे हो, फिर 240 कर दे रहे हो, धीरे धीरे करके 240 में भी फिर आपको मजा नहीं आ रहा। जैसे नींद की गोली है, शुरू में 0.25 mg आपने लिया, मान लिया है ना, 0.25 mg लिया, फिर लेते लेते सालों से ले रहे हो 0.25 mg नींद के लिए, नींद आ जाए, है ना, कुछ दिन के बाद शरीर टॉलरेंस ले लेगा, मींस रेजिस्टेंट हो जाएगा, 2.25 एमजी काम नहीं करने वाली, अब आपको 0.5 एमजी लेनी पड़ेगी। जिसको पहली बार में दारू का एक पैग नशा, वो मतलब एक पैग पीने के बाद गिर जाता था, धीरे धीरे करके वो क्या हैवी ड्रिंकर हो गया, अब पूरा पूरा खंभा चढ़ा जाता है, फिर भी उसको असर नहीं होता है, मींस बॉडी की टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। टॉलरेंस मतलब नीड मोर एंड मोर ऑफ द ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट, मींस उसी तरह का नशा अचीव करने के लिए अब उनको ज्यादा पैग लेने पड़ते हैं। ओके, विड्रॉल सिम्टम्स दैट अपीयर व्हेन यूजर्स स्टॉप टेकिंग द ड्रग्स। जैसे पिक्चरों में भी बहुत सारा देखा होगा कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अगर उनको दवा ना मिले, मींस वो ड्रग ना दी जाए, तो अजीब से विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, मींस वो अपने आप के अपने ही बाल नोचने लगते हैं, किसी को भी मारने पीटने लगते, पता चल जाए सामने वाले के पास ड्रग का, उसकी जान ले लें, क्योंकि वो अपने खुद के कंट्रोल में रहते ही नहीं है। ठीक, तो इसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस, राइट, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, मींस साइकोलॉजिकली भी जब तक वो ड्रग उनको नहीं मिल जाएगी तब तक उनका दिमाग वहीं रखा रहेगा। ठीक, एमंग यंग पीपल मैक्सिमम जो ड्रग एब्यूज के केसेस मिलते हैं, ड्रग एडिक्शन के केसेस मिलते हैं, ये मैक्सिमम मिलते हैं यंग पीपल्स में और अच्छे घरों के बच्चों में। ओके, लेस पार्ट ऑफ देयर द सब कल्चर ड्रग एब्यूज इन इंडिया ओल्ड एज एल्सवेयर। ठीक, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कैनबिस, जो बहुत एनिशियंट टाइम पे चले जाओ तो गांजा फूंकने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, मीन्स आज से बहुत पहले जब मुगल थे, इसका जो ओपियम बिकेम द पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल्स के टाइम पे, जब मुगल आए थे मुगल्स के टाइम पे हुक्का और सिगार का प्रचलन था। आज भी देखो लखनऊ में चले जाओ तो नवाब का वो सिगार दिखता है। पहले लोग सिंहासन पे बैठ जाते थे, बढ़िया आराम से उसमें ओपियम वगैरह डाल दिया, जला दिया और यहां से पी रहे हैं, है ना। अब वो होता कैसे था, वो हुक्के में नीचे की तरफ पानी रहता था, तो वो जो उसका जो एक्सट्रैक्ट रहता था, जो धुआं रहता था, जो खींचते थे, वो डायरेक्ट नहीं आता था, वो पानी से होते हुए आता था। ठीक, तो इस तरह का सिगार, जैसे आजकल तो शादियों में सिगार का बड़ा फैशन चला हुआ है ना, वहां पे भी हुक्का बार्स खूब सारे खुल गए हैं ना, बड़े बड़े शहरों में हुक्का बार के नाम से खुला हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो पैटर्न है, ऐसा नहीं कि आज के बच्चों में, अब क्या थोड़ा सा एडवांस हो गया है, पहले सीधे गांजा या भांग का पत्तियां लेते थे, उसको डाल के अपना आराम से गुड़गुड़ाते रहते थे, अब क्या इनके एक्सट्रैक्ट मीन्स प्रोसेस्ड फॉर्म जो ज्यादा खतरनाक होते हैं वो इस्तेमाल में आने शुरू हो गए, मीन्स एडवांस हो गया है। ओके, लॉन्ग एगो मच हैज बीन रिटन अबाउट द इंटॉक्सिकेंट द पर्टिकुलरली अबाउट द कैनबिस गांजा एंड ओपियम इन इंडिया, मीन्स बहुत पहले के टाइम पे भी गांजा वगैरह का इस्तेमाल इंडिया के अंदर किया जाता था। अब तो गांजा को स्पेशली NDPS एक्ट से भी बाहर करने जा रहे हैं, मतलब गांजा का रखना कानूनन जुर्म नहीं है। अभी अमेरिका में देखो एक केस हुआ है, वहां पे कोर्ट चला गया वो बंदा जो गांजा के केस में पकड़ा गया था, भाई गांजा ही तो है ना। ओके, देन यूज ऑफ हार्ड ड्रग्स, कुछ हार्ड ड्रग्स जैसे जो प्रोसेस्ड होती, जो इन्हीं सबसे निकल, जैसे हेरोइन हो गया, लाइसर्जिक LSD हो गया, हैज बीन इंडिकेटेड नाउ यूजर्स सिटीज ऑल्सो नोन एज नोन हेल्यूसिनोजन सच एज द एंजल डस्ट। LSD को क्या बोलते हैं, LSD को एंजल डस्ट बोलते हैं, क्या एंजल डस्ट, ये क्या है, जब इसको ले लो तो हेल्यूसिनेशन मीन्स अलग दुनिया में इंसान चला जाता है, हेल्यूसिनेट करने लगता है, मीन्स खुद अपनी एक दुनिया को इमेजिन कर लेता है, खुद डिजाइन कर लेता है और वो उसी में जीना शुरू कर देता है। ठीक, जैसे एक मूवी आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, काफी पहले, फरहान अख्तर की है, देखना उस मूवी को, उसमें हेल्यूसिनेशन था। उसमें होता क्या था कि वो खुद किसी प्राइवेट कंपनी का, एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहता है, वो डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में जाने की वजह से ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया या नींद की गोली लेनी शुरू कर दी, उसकी वजह से उसको हेल्यूसिनेशन होने लगते थे। हेल्यूसिनेशन में वो अपनी ही दुनिया में रहता था और जो वो सोचता था
ठीक, तो उसको सामने से ही लगता था कि कोई बंदा मुझे फोन करता है और फोन करके मुझे बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक, और वही काम वो अपने ऑफिस में करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो गया, मीन्स उसने खुद ही पूरी दुनिया इमेजिन कर ली। तो कार्तिक मीन्स हेलुसिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो जो मूवी है। ओके, ये एलएसडी देखो, जैसे टंग में रखी है लड़की एलएसडी, ऐसे ही रखते हैं, ठीक, टंग में रखते ही एकदम अलग दुनिया में आदमी चला जाता है, एकदम मस्ती में। कॉमन ड्रग्स टू विच कैन बी बिकम एडिक्टेड, मीन्स कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स कैन बी अब्यूज्ड, नॉट ओनली लीगल ड्रग्स सच एज, सिर्फ लीगल ड्रग यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही नहीं, हेरोइन हो गया, कैनबिस हो गया, कोकेन हो गया, बट ऑल्सो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऑल्सो प्रिस्क्रिप्शन की कौन से ड्रग्स, जैसे ट्रैंकुलाइजर हो गए, एनाल्जेसिक हो गए, पेन किलर हो गए, स्लीपिंग पिल्स हो गई, है ना, और कौन से, ये जो कफ के लिए जो लिए जाते हैं ड्रग्स, कोडीन वगैरह हो गई, है ना, ये सारी चीजें क्या, ये तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। हेरोइन हो गया, कैनबिस, कोकेन, ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मीन्स दोनों तरह के ड्रग्स से क्या हो सकता है, ड्रग का एब्यूज होता है, ड्रग का एडिक्शन होता है। इवन मेडिसिन दैट कैन बी ब्रॉट बॉट फ्रॉम द मार्केट कैन बी एब्यूज, मीन्स जो मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन की तरह, जैसे कफ सिरप वगैरह या ड्राई कफ सिरप वगैरह होती है जो मार्केट से रिसेंटली बाई करके लाते हैं, इनका भी ड्रग एब्यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कफ मिक्सचर या हर्बल रेमेडीज, जो कफ के मिक्सचर्स, कफ के सिरप होते हैं, इनमें भी नशा होता है। कभी एक पूरा पी जाओ, कोशिश मत करना कोई, है ना, बहुत सारे नुकसान है उसके। एंड एब्यूज ऑफ द एल्कोहल इज मेजर एरिया ऑफ कंसर्न, मीन्स रात शाम सूरज ढला नहीं कि बॉटल खुल गई, खासकर ये प्रॉब्लम हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ खूब होती है। बहुत सीधा साधा बच्चा गांव घर से जाता है, हॉस्टल में जाता है, अब डिपेंड करता है कि हॉस्टल में आपका रूममेट या आपके रूम के बगल वाला कैसा है। बगल वाला पता लगा रोज रात में पी के अपना बस मस्त टल्ली हो जाता है, है ना, रोज तुम्हारे सामने बैठ के पी रहा है, आओ यार तुम भी लो, लो चखना, लो लो ये लो वो लो, है ना, एक दिन मूड करा चलो टेस्ट करके देखते हैं, बस वही टर्निंग पॉइंट होता है, टेस्ट किया ठीक ही है यार, है ना, और कोई फ्री में पिला रहा है तो चलो पी लेते हैं। यहीं से शुरुआत होती है और ऐसे ही शुरुआत होती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि जो है मतलब इन बॉर्न कोई दारू पीता हुआ आया है, है ना। तो कुछ ड्रग्स है, कई ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, जैसे कैनबिस हो गया, कैनबिनॉइड हो गया जिसमें हसीस और मैरिजुआना आता है, स्टिमुलेंट कुछ है जैसे एम्फेटामिन और कोकेन है, डिप्रेसेंट बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स है, नारकोटिक्स ड्रग्स में ओपियम मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हो गए जैसे हेरोइन ओपियम और विकोडीन हो गया, हेलुसिनेशन में एलएसडी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी है मेस्कालीन, है ना, हेलुसिनोजन के लिए स्पेशली ये जो कैटेगरीज हैं ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं, जैसे फेनेसाइक्लिडीन हो गया, अदर कुछ कंपाउंड जैसे स्टेरॉइड और इनहेलेंट्स हो गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द ड्रग एब्यूज हैज पब्लिश द लिस्ट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सारी ड्रग्स याद, जो लिस्ट में बताने जा रहा हूं, ड्रग ऑफ द साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये ड्रग्स रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इनको पढ़ लो, एक दो बार वीडियो देख लेना, अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएंगे ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ने कुछ ड्रग एब्यूज पब्लिश किए जिनकी लिस्ट है ये, ओके, जिसमें लिस्ट में ड्रग का नाम, कॉमर्शियल नेम, कैसे लेना है, इंटॉक्सिकेंट इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, ये सारी चीजें लिस्ट में आई गई। नंबर ऑफ ड्रग्स बहुत सारी हैं, है ना, जैसे मैरिजुआना, मैरिजुआना को कैनबिनॉइड्स बोलते हैं, ये कॉमर्शियल नेम कौन कौन से आते हैं, डोप, पॉट, ओके, ज्वाइंट ग्रास या रेफर वीड के नाम से। कैसे लिया जाता है, इसको स्मोक किया जाता है, मीन्स हुक्का, है ना, होता क्या है इससे, यूफोरिया, स्लो थिंकिंग, सोचने की पावर, रिएक्शन टाइम कंफ्यूज होने लगता है पेशेंट, और इंपेयरमेंट ऑफ बैलेंस, मीन्स जब नशा चढ़ता है तो झूलते झालते मतलब झूमने लगता है, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाता है। शरीर में एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, ज्यादा गांजा भांग पीने वाले क्या करते हैं, कफ, उनको खांसी की दिक्कतें खूब होती हैं। याद करो जो लोग बीड़ी या सिगरेट खूब पीते हैं बुढ़ापे में, बैठ के खक 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 खांसते रहते हैं। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, भाई जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन के थ्रू आप ले रहे हो उसको, ठीक। इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी, लर्निंग पावर, अभी आपसे मिले और अभी भूल गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स खूब होती है ना। तो ये तो पहली ड्रग्स है, नंबर ऑफ ड्रग्स है, लिस्ट है बड़ी सी। जैसे कोकेन हो गया, कोकेन क्या, स्टिमुलेंट का काम करता है,
कमर्शियल क्या है, ब्लो है, पंप है, कैडीन है, है ना, कोक है, क्रैक है, रॉक है, स्नो मींस अलग अलग कमर्शियल नेम से मार्केट में अवेलेबल है। कैसे लिया जाता है, इस नोड कोकेन को जैसे क्या करते हैं नाक से, ऐसे देखा होगा ना टीवी में कि उस पे लगा देते हैं भाई ग्लास की मेज पे, उसके बाद वो कागज लिया ऐसे करके अलग दुनिया में पहुंच गए, है ना, इस तरह से करके स्मोग, या फिर स्मोक्ड। दूसरा तरीका क्या है, सिल्वर पेपर ले लेते हैं उसके ऊपर रख देते हैं, उसको एक जलाता है, जलाता और दूसरा सूंघता है उसको, है ना, तो इस तरह से करके इससे होता क्या है, ये हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, फीलिंग्स, ये सब अलग दुनिया में देखा होगा मूवीज में खूब सारा। एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे बॉडी में एडवर्स इफेक्ट हैं, इररेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, भूख मर जाती है, वेट लॉस होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, नींद नहीं आती है इस ड्रग के बिना, है ना, एब्डोमिनल पेन होता है। जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनके पेट में भयंकर दर्द होता है, तो ध्यान करो अगर कोई आपके आसपास है तो उसके पास मेफ्टल स्पास का पूरा डब्बा जरूर रखते हैं वो सब। मेरे कुछ फ्रेंड्स लिया करते थे जब मैं फार्मेसी में एम फार्म कर रहा था, तो मुझे मालूम है बेहिसाब दर्द होता, वो दो दो टैबलेट मेफ्टल स्पास की खा जाया करते थे। ओके, खैर, नेक्स्ट दूसरी है एम्फेटामिन स्टिमुलेंट कैटेगरी में आती है, मार्केट में किस नाम से है, डेक्सेड्रिन, बाई एम्फेटामिन, बेनिस, ब्लैक ब्यूटी, है ना, क्रॉसेस हार्ट, स्पीड। तो ये क्या है, स्टिमुलेंट है। स्पीड से याद आया, एक साउथ की मूवी थी, उस मूवी में स्पीड नाम का जो ड्रग था उसमें एम्फेटामिन रहता था। ये क्या है, जब लिया जाता है शरीर में अगर प्योर फॉर्म में लिया जाए तो पूरा जो शरीर है मींस हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना, मतलब ये समझ लो कि 1000 गुना ज्यादा तेजी से काम करने लगेगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम 1000 गुना तेजी से काम करेगा तो हमारे स्केलेटल मसल्स, मींस ये ड्रग लेने के बाद इंसान अपने जैसे 10 लोगों को, मींस उसके अंदर 10 गुना ज्यादा ताकत आ जाती है, दिमाग बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है, स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है, राइट। ये कैसे ली जाती है, या तो स्वालो कर ली गई, या स्मोक कर ली गई, सूंघ ली गई, इंजेक्ट कर ली गई, या स्नोड। बहुत सारे केसेस में ये जैसे अस्थमा का पंप होता ना उस तरह से भी मुंह से क्या है लिया जाता है। करता क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, फीलिंग इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज ही होगा, इसमें घटेगा कुछ नहीं, है ना। फिर उसके अच्छा जब इसका असर खत्म होता है तो फिर पेशेंट एकदम शून्य हो जाता है। शून्य इन द सेंस कि मतलब उसके शरीर की एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी बनी शरीर से उस एनर्जी आप 1000 गुना तेज हो गए हैं। जहां दौड़ के जा रहे हो 1 घंटा लग रहा है, वहां आप 10 मिनट में पहुंच गए, बाइक को भी पछाड़ दिया आपने इतना तेजी से भागे। तो ये जो है इसकी ब्यूटी है। दूसरा मेथएम्फेटामिन, ये भी स्टिमुलेंट का काम करता है। चॉक, क्रैंक, क्रिस्टल, फायर ग्रॉस, गो फास्ट, आइस मिथ और स्पीड, मतलब ये नाम है कैसे, ये भी स्नॉटेड, स्वालोड और स्मोग या इंजेक्शन। होगा क्या, जब स्टिमुलेंट है तो सब कुछ बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, है ना, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा, फीलिंग्स हो जाएंगी, एनर्जी बॉडी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। होगा क्या, रैपिड हार्ट बीट, रिड्यूस्ड एपेटाइट, है ना, वेट लॉस। भाई जाहिर सी बात, मेहनत आदमी ज़्यादा करेगा तो जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। लोग जिम में जाके मेहनत करते तो दुबले पतले हो जाते कि नहीं हो जाते। और MDMA, ये भी स्टिमुलेंट का काम करता है। कॉमर्शियल नेम क्या, एडम क्लैरिटी, है ना, स्वालोड मींस उसको स्वालो किया जाता है, इंक्रीज हार्ट। स्टिमुलेंट के सारे काम वही हैं, एडवर्स इफेक्ट सारे वही हैं। बारबिट्यूरेट, अब ये डिप्रेशेंट पे आ गया, अब ये सब घटा देंगे। ओके, उसके बाद ये भी स्वालोड या इंजेक्शन लिए जाते हैं, ये सब रिड्यूस्ड एंजाइटी, फीलिंग रिड्यूस्ड, है ना, डिप्रेशन हो जाता है। ओके, फिर क्या हो जाता है, येलो जैकेट, हाँ, स्वालोड पल्स रेट गिर जाती है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, फटीगनेस होगी, नींद आएगी, कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, सही से फैसले नहीं ले पाओगे। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या हो गया, आपका शांत हो गया ना। बेंजोडाइजेपिन से भी क्या है, इन सब के काम एक जैसे हैं। ये भी क्या करता है, ये भी डिप्रेस सप्रेस का काम करता है। हेरोइन हो गया, हेरोइन इंजेक्शन के माध्यम से लिया जा सकता है, है ना, स्नोरिंग की जा सकती है, स्मोकिंग की जा सकती है। ये क्या करते हैं, पेन रिलीफ में, किसी को बेहिसाब पेन हो रहा हो तो वहां पे पेन रिलीफ करते हैं। ड्राउजीनेस, यूफोरिया, है, अब बदले में एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे बॉडी के, नोजिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, नींद आने लगेगी, रेस्पिरेटरी
फेलियर होने लगेगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, उनकी लिस्ट है, ठीक। तो ये खाली ध्यान रखने के लिए, कुछ यादवाद नहीं करना है, दो चार ड्रग याद कर लेना बस। साइंस एंड सिम्पटम, कैसे पता चलेगा कि कोई ड्रग एडिक्ट है, कैसे पता चलेगा कि भाई आपके घर में कोई रह रहा है उसको ड्रग एडिक्शन की बीमारी है, कैसे पता चलेगा। एडिक्शन टू एनी ड्रग में इंक्लूड दीज जनरल करेक्ट, कुछ करेक्टरिस्टिक होती, जैसे फीलिंग दैट वन नीड द ड्रग रेगुलर बेसिस। अब कोई ये ड्रग्स क्यों लेता है रेगुलर बेसिस पे, क्यों किस लिए लेता है, अपने मजे के लिए, फन, रिलैक्स, डील विद द प्रॉब्लम। मींस किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो वो क्या करेगा, ड्रग लेना शुरू कर देगा, है ना। किसी घर में कोई सदमा लग गया तो ड्रग लेना शुरू कर दिया, मींस क्या है, अपनी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए उसने एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का सहारा लिया। सडन चेंज इन द वर्क, सडन चेंज इन द वर्क मतलब वर्क में, जैसे अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो उसकी अटेंडेंस कम होने लगेगी, उसके मार्क्स कम होना शुरू हो जाएंगे, जो क्वालिटी होती थी उसके स्टडी में वो गिरना शुरू हो जाएगी। अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कम हो जाता है। डूइंग थिंग्स वन नॉर्मली वुड डू नॉट ऑब्टेन द ड्रग सच एज द फ्रीक्वेंटली बोरोइंग। अब वो ड्रग को लेने के लिए वो बंदा क्या करेगा, लोगों से पैसा मांगना शुरू कर देगा, जरूरत पड़ी तो भीख भी मांग लेगा, है ना। मतलब बड़ी वर्स्ट कंडीशन होती है, घर से, अपने साथ वालों से, पास पड़ोसियों से, किसी से भी पैसा मांग लेगा। ओके, टेकिंग द अनकरेक्टरिस्टिक रिस्क, अनकरेक्टरिस्टिक रिस्क तक लेने को तैयार हो जाएगा कि पैसा दे दो या ड्रग दे दो, वो कुछ भी कर जाए, कहोगे तो छत से कूद जाएगा, उसको खुद नहीं पता है कि उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सच एज द ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस सेक्चुअली रिस्की बिहेवियर, है ना। ड्राइविंग जब करता है तो जैसे रेस करनी है, हैं? तो क्या है, मतलब उसको मौत का डर नहीं है, बस चलाते चला जा रहा है, सेक्सुअल बिहेवियर बहुत अजीब सा हो जाता है। एंगर आउटबर्स्ट मींस गुस्सा, अगर उसको ड्रग नहीं मिल रही है तो बेहिसाब वो अपने को भी नुकसान कर सकता है। डिटोरिएशन ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो अपना खुद का अपीयरेंस है वो बिगाड़ लेगा, अपना चेहरा नोच लेगा, अपने हाथ पैर तोड़ देगा खुद ही। वेयरिंग, अब जैसे रात हो गई है, हैं? पब में गया है या रात हो गई लाइट बंद फिर भी बढ़िया काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं, हाँ भाई हम स्मार्ट लग रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब कुछ इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, इन सबसे पता चलने लगता है कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन वगैरह हो गया है। नो लॉन्गर और क्या, नो लॉन्गर स्पेंडिंग द टाइम विद द फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना। वो उसको ज्यादा, ऐसे लोग क्या है, अकेले में ही रहना पसंद करते हैं या उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो खुद ड्रग के एडिक्ट हों। इंगेजिंग द सीक्रेटिव एंड सस्पिशियस बिहेवियर, हमेशा ऐसे लगेंगे कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, छुपा क्या रहे हैं, अपने ड्रग्स छुपा रहे हैं या मौका ढूंढते हैं कि कब अकेला मिल जाए और कब वो सुट्टा लगा लें, है ना। टेकिंग अबाउट ड्रग ऑल टाइम, प्रेशराइजिंग अदर्स, मतलब खुद तो ड्रग लेते ही हैं, अगल बगल के जो दोस्त हैं उनको भी ड्रग लेने के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं, उनकी कंपनी बढ़ जाएगी। फीलिंग एग्जॉस्टेड, हमेशा थके थके से, हमेशा आंखें लाल रहेंगी, थके थके से, जैसे रात भर सोए नहीं। डिप्रेस, होपलेस, सुसाइडल बिहेवियर, ड्रग नहीं मिली तो मर जाएंगे, है ना। रिस्क फैक्टर क्या है भाई ड्रग अब्यूज के, रिस्क फैक्टर में फैमिली अब्यूज होता है कि भाई किसी ने पास्ट हिस्ट्री में कोई फैमिली का जो ऐसे काम करता रहा हो, है ना। हिस्ट्री ऑफ द डिप्रेशन एंड द लो सेल्फ एस्टीम, फीलिंग नॉट फिटिंग, ड्रॉपिंग आउट द मेन स्ट्रीम, है ना। ये क्या है, एक फीलिंग होती है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको डिप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से भी, भाई क्या है, भाई ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो रिस्क क्या है, भाई उनको खुद मालूम है वो अंडर कॉन्फिडेंस है, मीन्स उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, इसीलिए वो सेल्फ मेन जो स्ट्रीम होती है उससे भागना शुरू कर देते हैं। उनको मालूम है कि वो ये काम करेंगे तो फेलियर हो जाएंगे, मतलब ये काम कर नहीं सकते। ओके, ओके। स्मोकिंग हैबिट हैज लाइकवाइज बीन कोरिलेटेड विद द सब्सटेंस अब्यूज, जैसे स्मोकिंग हैबिट है उसको कोरिलेट करते हैं अपने ड्रग अब्यूज से, है ना। टीन्स हु स्मोक एट टाइम्स, मींस मतलब कुछ टीन्स, जो टीनेजर्स होते हैं, मैरिजुआना, गांजा वगैरह क्या है, दिन में 8-8 बार लेते हैं, 20-20 बार लेते हैं, सुबह उठे तो गांजा, मींस ये सारे रिस्क फैक्टर वो बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, बढ़ जाते हैं। वेयरिंग साइंस टीनेजर्स हैज द प्रॉब्लम ड्रग अब्यूज, वार्निंग साइंस क्या होते हैं भाई कि अब इसको प्रॉब्लम ड्रग अब्यूज से। नोइंग द स्पेसिफिक वार्निंग साइंस, जैसे मॉनिटरिंग टीनेजर्स की जब मॉनिटरिंग करेंगे। फोकस एडोलसेंट सर्विस,
लास्ट फाइव एरियाज टू इवेल्युएट फॉर द हेल्प डिटरमाइनिंग द ड्रग प्रॉब्लम प्रेजेंट इन द टीन्स. मीन्स पिछले कुछ समय से किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मॉनिटरिंग करके उस प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है. फिजिकल साइंस में क्या पता चलेगा, फिजिकली में जैसे वो फटीग, हमेशा उनको थकान लगी रहेगी. रिपीटेड हेल्थ कंप्लेन मींस हेल्थ को लेके, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी उनको लंबे समय से सर्दी हुई जा रही, कहीं अस्थमा की प्रॉब्लम, मींस रिपीटेडली उनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी. ओके, आंखें हमेशा रेड एंड ग्लैंज हो जाएंगी, मतलब लाल आंखें हो जाएंगी और भारी भारी सी पफी आईज हो जाती हैं. लास्टिंग कफ, हमेशा जो है कफ जो है उनको होता रहता है. इमोशनल साइंस, पर्सनैलिटी चेंज, कभी भी रोने लगेगा, कभी भी हंसने लगेगा. ठीक, मींस इरिटेशन उसको होती रहती हमेशा और इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. कभी कोई भी फैसला लेने कहोगे सही फैसला नहीं ले पाएगा. किसी भी काम में, कोई भी जनरल काम बोले काम नहीं करना है, मींस उसको किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं. पता लगा सब लोग बैठ के बढ़िया फर्स्ट क्लास मूवी देख रहे हैं, बैठ के डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना खा रहे हैं, उसको अकेले कमरे में रहना है. मींस ये सिम्टम एंड साइंस है जिससे पता चलता है कि ये ड्रग अब्यूज हो रही है इसको, है ना. फैमिली डायनेमिक्स, स्टार्टिंग द आर्ग्यूमेंट, मीन्स फैमिली में आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है, निगेटिव एटीट्यूड रहता है, ब्रेकिंग रूल ब्रेक करने लगता है, विड्राइंग फ्रॉम द फैमिली, सीक्रेटिवनेस, मीन्स अगर उसको जो है फैमिली का सीक्रेट बाहर करना है तो भी उसको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? क्योंकि अपने सेंस में नहीं रहता है. स्कूल बिहेवियर, स्कूल जाने में उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, ग्रेड दिन का दिन ड्रॉप होने लगती हैं, मैनी एब्सेंटीज होने लगती हैं, स्कूल में उसका डिसिप्लिन सही नहीं रहता है. मींस ये वार्निंग साइंस हैं जिसकी वजह से और क्या सोशल प्रॉब्लम, भाई पांच थे ना, तो इसमें एक ये हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए और ये सोशल प्रॉब्लम पांच हो गए. नए फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स प्रॉब्लम विद द लॉ चेंजेस, लेस कन्वीनियंट स्टाइल ड्रेस एंड म्यूजिक, सडन तो फिजिकल अपीयरेंस, रिक्वेस्ट द मनी. मींस नए फ्रेंड बनाते हैं, ठीक, नए फ्रेंड बनाते हैं, जगह जगह पे उनसे पैसे मांगते हैं, अपनी इज्जत का कहते हैं ना फलूदा करना, है ना. ना उन कभी कोई म्यूजिक सुनना है, अचानक से चेंज हो गया, नहीं अब ये नहीं सुनना, अब ये सुनना है. मूवीज में देखते होंगे जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अचानक नहीं हमको अब ये सुनना, हमको ये सुनना, मारा मारी करना, ये सब एडिक्शन की प्रॉब्लम. देखो रिजल्ट द अनडिटेक्टेबल द मेडिकल कंडीशन अदर साइकोलॉजिकल कंडीशन. मींस ऐसी कंडीशन क्या है, मेडिसिन भाई आपका क्या करने जाओगे, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, स्टूल टेस्ट करा लो, है ना, क्या कराओगे, कुछ नहीं मिलने वाला. तो कहने का मतलब जल्दी डिटेक्टेबल नहीं होते जब तक ये सीरियस कंडीशन नहीं हो जाती है. तो ये सारे साइंस हैं जिनको देख के पता चल सकता है कि आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर ड्रग अब्यूज करता है. बात करते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की. साइकोट्रॉपिक ड्रग्स NDPS जो हमने पढ़ाया था किसमें, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या है, नार्कोट्रॉपिक ड्रग्स क्या है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं उसे एक्ट के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत फोकस करते हैं इस पे. साइकोट्रॉपिक डिस्क्राइब द ड्रग्स दैट अफेक्ट द बिहेवियर, मूड, थॉट एंड परसेप्शन. ये जो ड्रग्स हैं लेने से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपके मूड. देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, है ना, थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा क्योंकि 10 पार्ट बनाने से बेटर है कि हम थोड़ा सा इसी को बढ़ा देते हैं और एक छोटा सा पार्ट और बनेगा 15-20 मिनट का. ओके, जो आपके थॉट्स को, आपके सोचने का तरीका, आपका परसेप्शन जो होता है उसको, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है, वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं. इसके लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज किया गया था. अम्ब्रेला टर्म किसके लिए यूज किया गया था, याद रहे, एमसीक्यू का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के लिए. ओके, इसमें बेसिकली क्या था, लॉट ऑफ डिफरेंस बताया गया था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे और कॉमनली मिसयूज्ड थिंग्स पे. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और कॉमनली मिसयूज्ड ड्रग्स के बीच में जो डिफरेंस बताया गया था, उस ड्रग के लिए अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल किया गया था. ओके, विल फोकस द प्रिस्क्रिप्शन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और उसके यूज. इस पे मेनली फोकस क्या किया गया था, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स थी और उनके क्या यूज थे उस पे मेनली मॉनिटरिंग की गई. सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है SAMHSA, ठीक, SAMHSA. तो क्या हुआ, सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन. नेशनल सर्वे ऑफ द ड्रग यूज हेल्थ डेटा कब किया गया, 2018 में नेशनल सर्वे कराया गया हेल्थ डेटा को लेके, जिसमें 47 मिलियंस में लगभग 18 साल की जो उम्र के बच्चे थे उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे.
18 साल के आसपास के जो एडल्ट्स थे उनको 47 मिलियन में, मतलब मैक्सिमम एक डेटा था जिसमें से जो 47 मिलियन थे, यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए, हर 5 में से एक बच्चा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करता था, मींस ड्रग एडिक्ट था। मोर देन 11 मिलियन रिपोर्टेड सीरियस मेंटल इलनेस, मींस 47 में 11 मिलियन सीरियस इशू रिपोर्ट हुए थे। ये तो खाली रिपोर्टेड है, मींस पता किया गया था, ये पता चले हैं, बाकी न जाने कितने जैसे होंगे। उसी से निकाला गया 5 में से 1 18 साल का नौजवान इस तरह के साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यूज करता है। मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग अफेक्ट आवर डेली लाइफ। मेंटल हेल्थ अगर किसी को हो गई तो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन कैन बी इंपार्ट द टूल अवेलेबल द हेल्प कीप अस वेल, मींस जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है इनकी वजह से बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ की, जो फैमिली की जो डेली जिम्मेदारियां हैं वो इंसान पूरा नहीं कर पाता है। कॉमनली कुछ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं जिनको कुछ ग्रुप से डिवाइड किया, जैसे एंजियोलाइटिक ड्रग्स जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, यूफोरियन ड्रग हो गया, एमडीएमए जिसको हम एक्टैसी बोलते हैं, यूफोरियन ड्रग्स को एक्टैसी नाम याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा गया था लास्ट टाइम। ओके, स्टिमुलेंट की बात करिए, स्टिमुलेंट में एम्फेटामिन, हेलोसिनोजन के लिए कहीं भी हेलोसिनोजन आ जाए वहां पे आपको एलएसडी याद रखना है, एलएसडी ड्रग्स। ठीक, नेक्स्ट नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है? जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस स्लीप इंड्यूस करने में, नींद को लाने में इस्तेमाल करते हैं, नींद लाने वाली प्रॉपर्टी होती है, उनको हम नार्कोट्रॉपिक कैटेगरी में डालते हैं। जैसे यूजुअली ओपिएट, मोस्ट कॉमनली जैसे मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, ऑल डेरिवेटिव कंपाउंड कौन से फाउंड द रॉ ओपियम लेटेक्स, जो रॉ ओपियम लेटेक्स से डिराइव हुए हैं या उनके प्रोसेस करके निकाले गए हैं। लीगल कंट्रोल किसके पास होता है? नार्कोटिक डिपार्टमेंट के पास। ओके, एक्सक्यूज मी, इन 1961 यूनाइटेड नेशन हैव पास द सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, एक द कन्वेंशन कोडिफाइंग ऑल एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल ट्रीटीज ऑन ड्रग कंट्रोल एंड एक्सटेंडेड द एग्जिस्टिंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, मींस एक लॉ पास किया गया था 1961 में। उसमें जो भी प्लांट, कौन से प्लांट का कल्टीवेशन है, कौन का पोजीशन रखना है, किसका इंपोर्ट करना है, किसका एक्सपोर्ट करना है, कौन सी ड्रग इस्तेमाल होनी है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बाद में यही नार्कोटिक एक्ट में क्या कर दिया गया, नार्कोटिक एक्ट में शामिल हो गया था। एनडीपीएस एक्ट बाद में यही मॉडिफाई होकर हो गया था। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट के बनाने का कि जो लोग अपने पास रख रखाव रखते, स्टोर करके रखते हैं, उसकी लिमिट तय की जाए, उसका इस्तेमाल की लिमिट तय की जाए, बेचने की लिमिट तय की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट तय की जाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन सब का पे कंट्रोल करना, जो एक्ट बना था इन सब पे कंट्रोल करना, यही इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था। अब अल्कोहल की बात करते हैं, देखो ये सब स्पेसिफिक है ना। अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल और टेबैको दो मेजर प्राइम अब्यूज हैं जो बेसिकली कम्युनिटी में हर जगह मिल जाएंगे। कहीं भी घर पे जो बूढ़े लोग हैं या खैनी ठोकते हुए, बड़े बड़े कॉलेजेस में आप जाइए वहां पे भी खैनी खाते हुए लोग मिल जाएंगे, है ना, वहां पे भी लोग ड्रिंक करते हुए मिल जाएंगे। इंसिडेंट ऑफ द अल्कोहल अब्यूज हैज बीन इंडिकेटेड द 10% ऑफ द एवरेज, बट सर्टेन एरिया हाई इवन 65%। जो अल्कोहल का है, कुछ जैसे गांव वगैरह में 10% है, लेकिन जो हाई सोसाइटीज है वहां लगभग 65% लोग, मैक्सिमम लोग इसका अब्यूज करते हैं, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्री लिकर मैन्युफैक्चरिंग इन द मोस्ट अनहाइजीनिक वे इन मैनी रूरल एरिया सिलेक्टेड अर्बन एरिया इज द मेजर कंसर्न। जहां पे ये लिकर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे एरिया बहुत अनहाइजीनिक होता है, उसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में होती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या है, जैसे ड्रग से मींस अल्कोहल लेने से लोग मर जाते हैं, उसमें क्या मिथाइल अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑकेजनली कंटामिनेशन क्या करता है, का कंटामिनेशन, भाई अल्कोहल में काहे कंटामिनेशन करेंगे, मिथाइल अल्कोहल का जो है बहुत लेथार्जिक इफेक्ट देता है, मींस कहते हैं ना, अक्सर सुनाई पड़ता है वहां पे इतने लोग दारू पी के मर गए,
है ना, वो कैसे मर गए, उसमें जो कंटामिनेशन था मिथाइल अल्कोहल का परसेंटेज इन लोगों ने ज्यादा कर दिया। कंट्री लिकर लीडिंग टू डेथ नंबर ऑफ पीपल बिकम द फ्रीक्वेंट इवन द अवर कंट्री इट इज द मेयरली लुक द लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। मीन्स दारू की वजह से लोकल ये प्रॉब्लम किसकी है कि भाई जो इंटॉक्सिकेशन हो जा रहा है या दारू इतनी ज्यादा मात्रा में बन रही है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है भाई। किसी शहर में अगर ऐसी चीजें पता चलती हैं, और हर दो चार महीने में किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी शहर में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई वहां पे उस ठेके से उन्होंने दारू ली, बहुत सारे केसेस में तो सरकारी ठेके से लोग दारू लेते हैं, वहां पे भी नंबर दो का माल मिलता है। सोचो सरकारी ठेके से लोग आंख बंद करके भाई सरकारी दुकान सही मिल रहा होगा। हमारे अपने शहर में ही ऐसे केसेस हो चुके हैं। ठीक, अगर इफ द फार्मासिस्ट टेक द ओथ फॉलो इट स्ट्रिक्टली, अगर फार्मासिस्ट सही तरीके से फॉलो करे इन चीजों को, अपना फार्मास्यूटिकल इथिक्स को सही से माने और अपनी ओथ को माने, और जब भी उसको दारू पीने का मौका मिले और वो मना कर दे। बहुत सारे फार्मासिस्ट बहुत दारू पीते हैं, मैं नहीं कहता सभी पीते हैं, लेकिन बहुत सारे, ये आपकी किताब बोलती है, फार्मासिस्ट टेक ओथ द फॉलो इट स्ट्रिक्टली That they will not drink alcohol on any occasion. कुछ लोग occasion पे लेते हैं, तो pharmacist को ये determine हो जाना चाहिए हम occasion पे भी नहीं पियेंगे। जब आप determine हो जाओगे कि आप नहीं पियोगे, देखो ये लंबा चौड़ा है, लेकिन सब ये normal चीजें जो आपको पता है बना बना के लिख देना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके, alcohol is the most widely the substance in the world. Alcohol जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मदिरा पान बहुत जमाने एंशियंट टाइम से चलता चला आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से चलता चला आ रहा है, और पोटेंशियली एडिक्टिव सब्सटेंस है। सोचो जो राजा महाराजा पूर्वजों में सुनाई पड़ता था वहां पे भी मदिरा पान वगैरह हुआ करता था, है ना। अब टाइप ऑफ एल्कोहल इंडिया में, टाइप ऑफ एल्कोहल जैसे इंडिया मेड फॉरेन लिक्विड जिसको हम बोलते हैं IML, इंडिया मेड फॉरेन लिक्विड, जो कौन सी विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, रम हो गया, वोडका, जिन, ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है लेकिन ये फॉरेन की ब्रांड्स हैं। बियर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वाइन, बियर की अलग अलग स्ट्रेंथ है। कंट्री लिकर मैन्युफैक्चर द गवर्नमेंट लाइसेंस फैक्ट्रीज, जिसको बोलते हैं अरैक, क्या बोलते हैं अरैक बोलते हैं, नाम याद रहे, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम टाइम पे एमसीक्यू के पॉइंट बताता चल रहा हूं, ये पॉइंट्स याद रखना, है ना। जो गवर्नमेंट लाइसेंस फैक्ट्रीज हैं वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं लिकर उसको बोलते हैं अरैक। ओके ओके, इलिसाइड ड्रिंक आर इलीगल बट कंज्यूम्ड वाइडली, अब जो इलिसाइड ड्रग्स हैं जो जिनकी इजाजत कानून नहीं देता, कानून के अगेंस्ट में वो, उनको बोलते हैं क्या, इलिसाइड ड्रिंक, है ना। जैसे महुआ का से दारू बनाना ये कानूनन जुर्म है, लेकिन गांवों में खूब ठर्रा पीते हैं लोग, देसी ठर्रा है, वो काहे की है, महुआ की दारू बना बना के। मेथेलॉन इज द मोस्ट डेंजरस अडल्ट्रेट इन इलिसाइट एल्कोहल, जो इलिसाइट एल्कोहल है, इलिसाइट ड्रिंक है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मेथेनॉल का कंटामिनेशन नुकसान कर सकता है, उनको मालूम है कि वो भी एल्कोहल ये भी एल्कोहल, मिला दिया आदमी ने, पिया, पता लगा पी के अपना ऊपर का रास्ता उसका कट गया, है ना। इसको बोलते थे जैसे लाइफ थ्रेटनिंग हूज ट्रेजेडी, क्या हूज ट्रेजेडी के नाम से ये फेमस है, हूज ट्रेजेडी याद रहे, हूज ट्रेजेडी काहे के लिए था, ये ड्रिंक से रिलेटेड जिसमें मिथेनॉल का इंटॉक्सिकेशन कर दिया जाता है, मिथेनॉल की मिलावट, हूज याद रहे, है ना, हूज ट्रेजेडी, ठीक, ये अल्कोहल से रिलेटेड याद रहे। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन हेल्थ, क्या इफेक्ट ऑफ हेल्थ पे होगा अल्कोहल कंजम्पशन से, नंबर ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, दारू पीने के बाद आपका सामाजिक स्टेटस बिगड़ जाता है, इंपार्ट द कंट्रीब्यूटर डेथ एंड डिसेबिलिटी, कई बार केसेस में लोगों का लीवर और किडनी फेल हो जाता है, डिसेबल हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, अफेक्ट द मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक। विड्रॉल अल्कोहल कॉज 18 मिलियन डेथ इन ईच ईयर वर्ल्ड वाइड 18 मिलियन लोग हर साल सिर्फ दारू की वजह से मरते हैं। सोचो 18 मिलियन लोग खाली दारू की वजह से वर्ल्ड वाइड मर जाते हैं। कंसीक्वेंसेस ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेशन, अगर किसी ने दारू पी तो क्या होगा, रैश ड्राइविंग करेगा, मोटर व्हीकल क्रैश, लड़ गए मर गए, ठीक। अल्कोहल कॉम्प्लिकेट द डायग्नोसिस, ट्रॉमा रिलेटेड इंजरी में मास द मिमिक एंड साइंस द साइन द हेड इंजरी एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट, जो लोग लगातार अल्कोहल लेते हैं इसलिए डॉक्टर पूछता है भाई
काउंसलिंग में पूछता भाई दारू पीते हो सिगरेट पीते हो, क्योंकि अगर सिगरेट पीते हो तो आपके लंग्स का एक्सरे बढ़िया नहीं आएगा, अगर आप दारू पीते हो तो आपके ब्रेन में अगर किसी तरह की कोई ट्रॉमा हो गया है तो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है। इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, ज्यादा दारू पीते हो तो हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से क्या होगा, लीवर सिरोसिस हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे, कोई लैब में काम कर रहा है पता लगा दारू पी के रखा है, एसिड की पूरी बॉटल उसके ऊपर गिर गई, बहुत सारे तरीके के वर्क प्लेस के एक्सीडेंट हो जाते हैं। सोशल प्रॉब्लम में मैरिटल डिसहारमोनी, डोमेस्टिक वायलेंस, बीवी को मारना है ना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, क्रिमिनल बिहेवियर हो जाता है, ड्राइविंग ऑफेंस हो जाते हैं, ब्रीच द पीस मींस शांति, जहां पे वो इंसान है वो शांति भंग हो जाती है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता, नेगलेक्ट द चिल्ड्रन, अनसेफ सेक्स करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, भाई जाहिर सी बात है पैसा तो उड़ा दिया दारू में, है ना। फैमिली प्रॉब्लम, एल्कोहल डिस्ट्रॉय द होम मच बिफोर द डिस्ट्रॉय द लीवर, ओके मींस एल्कोहल क्या है, आपका लीवर बाद में डैमेज होगा, फैमिली पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। मींस आपके शरीर को नुकसान तो करेगा करेगा, वो कर ही रहा है, फैमिली को नुकसान उससे पहले कर देता है। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम जो काम कर रहे हो है वो सबसे बेकार, चाहे पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई बेकार हो जाएगी, काम कर रहे हो ऑफिस में वर्क परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा, अब्सेंटिज्म बहुत सारी होने लगेगी, जो अपने दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाएगी, है ना। डिसिप्लिन प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे करके जॉब से निकाल दिए जाओगे, धीरे धीरे करके सोसाइटी से भी निकाल दिए जाओगे, है ना। तो ये एल्कोहल के ड्रॉबैक्स हैं। अब तंबाकू और खैनी की बात की जाए, तंबाकू और खैनी क्या है, ये टू मेजर फॉर्म्स हैं, स्मोकिंग, ये स्मोकिंग फॉर्म और स्मोकलेस फॉर्म, मींस बीड़ी के तौर पे भी लिया जाता है और खाने के तौर पे, मींस एक तो स्मोकिंग हो गया और एक खाने का हो गया। जैसे मेन चीज हो गई बीड़ी, बीड़ी क्या है, बेसिकली रोलिंग ऑफ द ड्राइड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लीफ, कितना डोज कितना होता है, 0.15 to 0.25 ग्राम, देखो इसमें भी डोज है, ये भी ज्यादा कम नहीं होती, 0.15 से 0.25 ग्राम, किसमें, और ये जो लीफ होती है फ्लेग्ड टोबैको की जो लीफ होती है ये सन ड्राइड होती है, मींस धूप में सुखाई हुई होती, उनको पत्तियों में लपेट दिया जाता है। मेजॉरिटी कहां पे, रूरल यूज दिस, रूरल फॉर्म मतलब गांव वगैरह में ये स्मोकिंग, गांव में किसी को भी देखो मुंह में जो है बीड़ी, सिक्का बीड़ी जो है सिक्का नंबर वन लगाए रहेगा। सिगार, सिगार प्रॉब्लम ये अर्बन प्रॉब्लम है, मेड द एयर कर्ड फर्मेंटेड टोबैको, इसमें क्या फर्मेंटेड टोबैको रहती है, प्रोसेस्ड रहती है यूजुअली फैक्ट्रीज एंड जनरली द एक्सपेंसेस, मींस इसमें क्या है, कम बीड़ी से अगर कंपेयर करो तो सिगार वगैरह बड़े महंगे मिलते हैं। पुराने जमाने में की जो पिक्चरें थी, राजकुमार देखो हमेशा सिगार लगा के रखता था, उसमें सिगार रहता था, उसके अंदर टोबैको क्या है फर्मेंटेड फॉर्म में रहती थी, उसको जला दिया जाता था और मस्त अपना। दूसरा क्या है, चिलम, चिलम क्या कोनिकल शेप का रहता है ना, जैसे ये है मान लिया ना, तो ये चिलम देखा होगा अक्सर, मिट्टी का बना होता है, ऊपर उसमें जो है क्या है गांजा भांग जो भी पीना डाले और नीचे से खूब कर कस के खींचते हैं उसमें कस, तो उसको क्या बोलते हैं, चिलम बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, चिलम हो गया। फिर क्या आता है, हुक्का आता है, हुक्का 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 बार वगैरह में, इंडिया में बहुत पुराने समय से हुक्का बेसिकली टोबैको का स्मोक डायरेक्टली ना जाके पानी से होते हुए जाता है, मतलब बिफोर इनहेलेशन ये कहां से जाएगा स्मोक, पानी से होते हुए, इसीलिए जो लोग हुक्का पीते हैं वो गुड़ 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 गुड़, बहुत सारे हुक्के होते हैं उसमें ऐसे निकला होता है, उसमें मुंह लगाते हैं और उसको क्या है फिर खींचते हैं, तो वो गुड़ 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 करके जो है मतलब लेते हैं, तो देखा होगा हुक्का वगैरह गांव वगैरह का अगर कोई है तो बहुत कॉमन है ये सारी चीजें, है ना, टोबैको से, तो इसलिए याद भी जल्दी हो जाएंगी। पान तंबाकू, पान विद तंबाकू, बहुत सारे लोग बीटल पान, है ना, बीटल क्या है पान की लीफ होती है, पान खाते हैं, पान में अपना कत्था लगवा दिया, सुपारी लगवा दिया और, है ना, और क्या इंग्रेडिएंट्स में क्या है, बीटल लीफ हो गई, बीटल लीफ हो गई मतलब पान का पत्ता हो गया, अरेका नट हो गया, आपकी सुपारी हो गई, स्लेट लाइन क्या आपका चूना हो गया, कटैचू आपका कत्था हो गया, है ना। तो ये सब मिलाया और इसके साथ साथ बोलते भैया बोला 32 की तंबाकू डाल देना, तो पान विद तंबाकू, पान मसाला आजकल खूब ऐड होता है, देखो पान मसाला, है ना, हीरो लोग खूब करते हैं उसमें क्या, अरेका नट हो गया, स्लेट लाइन कटैचू हो गया, कंडीमेंट्स विदाउट पाउडर टोबैको हो गई, टोबैको अरेकानेट और लाइम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं भाई, जैसे मावा, गुजरात वगैरह में मावा चलता है, झिल्ली में मिलता है बाकायदे पैक्ड, आप जाओगे उसमें होगा क्या, सुपारी होती है ना, तंबाकू होती और चूना होता है, तीन चीजें उसमें, तंबाकू पड़ी होगी, सुपारी होगी
और इतना चीज होगी, और चूना वो साइड में पाइप पाइप टाइप का रहता है वो दे देते हैं साथ में, उसको आराम से उसमें लगा के अपना ऐसे ऐसे रगड़ के, समझे, ऐसे बत्ती बना और रगड़ के, और फिर बढ़िया दो लोग अपना आराम से एक उसमें खा लेते। उसको क्या बोलते हैं, गुजरात में स्पेशली चलता है ये, मावा यूथ में खूब है, खूब लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने यूपी साइड में नॉर्थ इंडिया में इसको खैनी बोलते हैं, तंबाकू है ना मिक्सचर, सन ड्राइड टोबैको होती है जिसमें चूना डाले और सुबह उठते बढ़िया खूब उसके मसल के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ताली बजा और मसल दिए, इसको क्या बोलते हैं खैनी, है ना। रेगुलर लोग खाते हैं, बहुत लोग तो फ्रेश होने से पहले भी। चिविंग टोबैको, चिविंग टोबैको स्मॉल पीसेस, अब उसको क्या चबाते रहते हैं, मीन्स चबाको, जैसे जो है तंबाकू एलोन, इसमें तंबाकू अकेले रहती है और क्या है पुड़िया टाइप में होती है, उसको क्या मुंह में डाल लेते हैं और चबाते रहते हैं, है ना। गुल, गुल क्या है, गुल मंजन देखा होगा आप लोगों ने कि गुल मंजन नशे के लिए वो लोग हर 15-20 मिनट पे या एक दो घंटे पे मंजने भेजते रहते हैं, गांव वगैरह में खूब मिल जाते हैं ऐसे लोग। वहां पे क्या है, मतलब वो गुल मंजन को जैसे नशा होता है, जैसे लोग सिगरेट बीड़ी नहीं पीते एक दो घंटे पे, उस तरह वो गुल मंजन हर दो घंटे पे एक घंटे पे, वो कहीं रिश्तेदारी में भी जाएंगे तो एक डिब्बा गुल मंजन का लिए जाएंगे, वो डब्बा कहीं ना कहीं छुपा के रख देंगे और आराम से जगह देखो वहां दांत घिसते रहते हैं। लाल दंत मंजन, लाल दंत मंजन भी पहले इसी इस्तेमाल में लोग करते थे। डेंट्री फ्राइसिस है ना, रेड कलर का टूथपेस्ट होता है, ट्रेडिशनली इट कंटेन्स टोबैको, हल्का सा इसमें बहुत कम, लेकिन टोबैको कहते दांत वहां दर्द के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता था लाल दंत मंजन, उसमें टोबैको का थोड़ा सा अर्क होता है, राइट, जो डेंटल केयर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स काफी हेल्पफुल होता है। इस तरह से ये आपका जो साइको सोशल फार्मेसी था, इसका मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो गया है, छोटा सा 15-20 मिनट का एक पार्ट और बनेगा, पार्ट 6, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, बाय।